धमतरी जिले के नगरी में ग्राम पंचायत मोदे के ग्रामीण पेयजल की भारी समस्या से जूझ रहे हैं। बता दें कि जल जीवन मिशन के तहत नए पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें नए की जगह पुराने पाइप से ही काम चलाया जा रहा है। खामियाजा पाइपलाइन अब जगह जगह से टूट फूट गया है, जिस कारण घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और पानी से कीचड़ निकल रहे हैं, जिससे हताश होकर ग्रामीण महिलाओं ने जनपद अध्यक्ष दिनेश्वरी नेताम को ज्ञापन सौंपा है। समस्या है कि पाइप भी पूरा फूट गया है। हाँ, उसमें पाइप टूटा है ना, उसमें कीड़ा भी आ, हाँ, पानी खराब है, गंदा पानी भी आते है ना। हम दो तीन बार भी तो आ गए हैं पानी की समस्या जी। पुराना पाइप लगा दिए, जब नया पाइप आया ना, उसको दूसरा जगह उठा के ले गए, पुराना पाइप तो मोदे में लगा दिए जी। पुराना लगे इसने वही पाइप से लगे, हाँ, और नया पाइप आ रही से दूसरा जगह उठा के ले गए। हम मोदे से हैं, नल जल समस्या के लिए जगह जगह पानी पाइप फूट गया है, गंदा पानी आ रहा है, कीड़ा हो रहा है। दो तीन बार हो तो ऐसी वो भी पुराना पाइप में लगा दिए हैं, पुराना पाइप है और पुराना नल नहीं ठीक कर दिए, नया तो नहीं। यहाँ पे ग्रामीण आए हैं, जो अभी चल रहा है हमारा महत्वपूर्ण योजना नल जल योजना, तो ग्रामीण बोल रहे हैं, यहाँ पे हमारा पास की ही नगरी से लगा हुआ गांव है, मोदे पंचायत का है, उप सरपंच आई है, पूरे गांव वाले आए हैं, महिला पुरुष सभी बोल रहे हैं कि जगह जगह नल जल में पाइप फटा हुआ है, और शिकायत ये भी कर रहे हैं कि पुराना पाइप डाल दिए हैं, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो मैं पीएचई में लगाई हूँ, सीओ जी को भी बोली हूँ, अभी आदेश की हूँ कि देखिए आप लोग क्या कर रहे हो करके। ऊपर से क्या बोलते हैं, जब नल जल योजना चला ना, ठीक से देख रेख हो पाया और ना ही समीक्षा किया गया है, इसकी वजह से मर्रा शाही चल रहा है। और ग्रामीणों को जो नल जल का योजना लाभ मिलना चाहिए वो सही समय में नहीं मिल पा रहा है।